नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 10 सालों में दर्द और कठिनाई के अलावा कुछ नहीं देखा। विधानसभा सीटों और संसदीय क्षेत्रों के मनमाने सीमांकन को बिनाकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आबकारी को धार्मिक और क्षेत्रीय आधार में विकसित करना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला डोडा में एक दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई। साउथ ब्लॉक में हुई इस बैठक में NSA अजीत डोभाल, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सुरक्षा से जुड़ी अन्य एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में रक्षा सचिव और DGMO भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का समूल नाश के लिए सुरक्षा बलों का पहाड़ियों, घाटियों और कई अलग अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बीते दिन डोडा के अस्सर इलाके में भारतीय सेना और पुलिस ने फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस बीच एक बार फिर सुरक्षा बलों का सामना आतंकियों के साथ हुआ। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन रैंक के अधिकारी शहीद हो गए तो वहीं एक आतंकवादी भी मार गिराया गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या से पूरा देश हैरान है। इस मामले में राजनीति भी गरमाई हुई है। इस घटना को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महिला डॉक्टर के साथ क्रूर, घिनौनी और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है उससे डॉक्टरों के समुदाय और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़ितों को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इससे अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा, इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं है तो किस भरोसे माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजेंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व फास्ट बॉलर मॉर्ने मार्कल को भारतीय क्रिकेट टीम का बोलिंग कोच बना दिया गया है। मार्कल का कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर से शुरू होगा। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह के हवाले से बताया गया है कि मार्कल को नया बोलिंग कोच नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र खारिज कर दिए है। न्यायमूर्ति संजीव कुमार द्वारा पारित एकल पीठ के आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों के खिलाफ कोई ठोस अपराध नहीं किया गया है और इसलिए ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र खारिज किए जाते हैं। ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और दो फॉर्मर ट्रेजरर्स JKCA मीर मंजूर गजनफर और एहसान अहमद मिर्जा और कुछ अन्य को आरोप पत्र में आरोपी बनाया था।